Assalamu alaikum. This lecture is about economy of Pakistan. In this lecture, we will briefly discuss the economy of Pakistan. Currency, Pakistani currency is called rupee, Pakistani rupee, and the abbreviation for it is RS, R capital and L small. PKR is also used as abbreviation of Pakistani rupee. Fiscal year of Pakistan start from 1st July up to 30 June. Main trading organization which Pakistan is a signatory: ECO, SAFTA, World Trade Organization, Asian Infrastructure, International Bank, Asian Development Bank, Economic Cooperation Organization, South Asian Free Trade Agreement, etc., and some other trade organization. Country group. Pakistan is a developing economy, lower middle income. Developing economy वो countries होती है जो तरक्की कर रहे होते हैं, अभी गैर तरक्की याफ्ता भी नहीं होते और तरक्की याफ्ता भी नहीं होते, इनके दरमियान में ये होते हैं, तरक्की पजीर होते हैं। इनकी डेवलपिंग आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती है, रनिंग कंडीशन में होती है, तो ये डेवलपिंग इकानमी है। पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ये 24 करोड़ एंड 29 लाख, फिफ्थ इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आबादी 5वें नंबर पे है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान फिफ्थ पोजीशन पे है। जीडीपी, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी 341 बिलियन डॉलर सालाना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये नॉमिनल है, और जो परचेजिंग पावर पैरिटी है पीपीपी, तो उसमें 1.58 ट्रिलियन डॉलर बनती है। ऐसे नॉर्मली दुनिया में नॉमिनल जीडीपी काउंट होती है। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी का थोड़ा सा तारुफ करता हूँ क्योंकि जीडीपी इकोनॉमी का मेन टर्म है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक ग्रास तो खाम को कहते हैं, मतलब जिसमें सब कुछ शामिल हो तो उसको ग्रास कहेंगे, और डोमेस्टिक जो मुल्की है, आपके मुल्क के अंदर जो हुई है, और प्रोडक्ट जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं तो उनको प्रोडक्ट्स बोलेंगे। तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या चीज़ आएंगे, आपकी कंट्री की हदूद में एक साल के अंदर जितना इनकम जनरेट होता है वो सारा आपका जीडीपी होता है। तो इनकम क्या होगा, जब इसी में पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई फारनर है, कोई भी है, किसी भी मुल्क के बंदे हैं और इसी मुल्क में पैसे कमाए, बेशक उसको फिर बाद में अपने मुल्क भेज दे, यूरोप भेज दे, यूएसए भेज दे, मगर वो सारे जीडीपी में काउंट होंगे एक बार। और जो दुनिया से बाहर पाकिस्तानी पैसे कमा रहे और पाकिस्तान को भेज रहे हैं वो जीडीपी में काउंट नहीं होते। जीडीपी में सिर्फ जो मुल्क के हदूद के अंदर जो इनकम जनरेट होती है साल के अंदर वो जीडीपी में होते हैं। इसमें फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी चीज़ का जो आखिरी वैल्यू होती है, जो कोई चीज़ तैयार होता है, जो आखिरी जो पैक करके जो निकलता है और इसका जो कीमत होते है उसी की कीमत इसमें कलेक्टिव तौर पर यूज़ होता है। और फिर सर्विसेज होते हैं, जो वकला सर्विसेज देते हैं, लायर, डॉक्टर्स, टीचर्स, इस तरह के ये सोशल एडवाइज़र होते हैं, जितने लोग ये सर्विसेज के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, ये सारे इकट्ठे होके जीडीपी आपके मुल्क की बनती है। तो पाकिस्तान की जीडीपी 341 बिलियन डॉलर है। जीडीपी रैंक हमारा क्या है, तो नॉमिनल जीडीपी रैंक हमारा 46 है दुनिया में, दुनिया के 193 कंट्रीज़ में से हमारा नंबर 46 पे है। और परचेजिंग पावर पैरिटी के अगर हिसाब से देख ले तो हम 24 नंबर पे है। जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है, पहले तो ये थोड़ा बता दो। जीडीपी ग्रोथ रेट ये होता है कि आपका पिछले साल के निस्बत, मतलब अगर पिछले साल आपकी जीडीपी, टोटल जीडीपी 100 बिलियन डॉलर थी और इस बार 106 बिलियन डॉलर है, तो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट 6% होगा। तो जीडीपी ग्रोथ रेट 2022 में हमारा 6% था और 23 में ये 0.5% पॉजिटिव है, ये भी बेशक कम है। और फिस्कल ईयर 2024 में फिर ये 3.5% एक्सपेक्टेड है। जीडीपी ग्रोथ रेट, बड़ी इकानमीज़ जो होते हैं उनके जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम होती है, मतलब उनके ट्रिलियंस में इकानमी होती है, तो अगर वो जीरो जीडीपी ग्रोथ रेट पे भी चले तो फिर भी उनकी काफ़ी आमदनी होती है, मगर उसमें अगर 1% भी इंक्रीज़ होती है तो काफ़ी अमाउंट बनती है। मगर पाकिस्तान जैसी इकानमी में 2, 3 या 5, 6% इंक्रीज़ कोई इतनी ज़्यादा फिगर नहीं होती। जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान में 2023 में 1568 है, 1568 जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा कितनी होती है, क्या चीज़ होती है? जीडीपी जो आपके मुल्क की पूरी साल की जीडीपी है उसको पूरी पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दें तो पर हेड जितने जो वैल्यू आएगा वो जीडीपी पर कैपिटा बनेगा। तो जीडीपी पर कैपिटा 1568 है पाकिस्तान की, ये 2023 में नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा है। और अगर परचेजिंग पावर पेरिटी वाले देख ले तो हम ये 6836 बनती है। जीडीपी पर कैपिटा रैंक, जीडीपी पर कैपिटा में हमारा रैंक बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है और जीडीपी लो है, तो जीडीपी पर कैपिटा इसलिए बहुत कम बन रही है। हम 193 ममालिक में 157वें नंबर पे है, 157th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा रैंक। एंड इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर पेरिटी में हम 138 है। जीडीपी बाय सेक्टर, अच्छा जीडीपी में जनरली ओवरऑल तौर पे 3 बड़े सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, फिर आगे जितने ये सेक्टर्स हैं ये सारे इन 3 सेक्टर्स के अंडर आते हैं। तो पाकिस्तान में जीडीपी के 3 सेक्टर में से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो 22.68% है, एग्रीकल्चर का 22.68। अच्छा एक और बात इधर मैं बताता चलूँ, जितने डेवलपिंग कंट्री होती है जो गरीब ममालिक होते हैं तो उनके एग्रीकल्चर का शेयर ज़्यादा होता है, उनका एग्रीकल्चर जीडीपी में बहुत ज़्यादा परसेंटेज वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे मतलब डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम हो गए, हम 22.68% हमारा जीडीपी का शेयर एग्रीकल्चर का है। अगर आप डेवलप्ड कंट्री में देख ले तो उनकी सिर्फ एग्रीकल्चर के जो जीडीपी होती है वो हमारे पूरी जीडीपी से भी ज़्यादा होती है, मगर फिर भी उनका जो जीडीपी का एग्रीकल्चर शेयर होता है वो 2%, 1 पॉइंट समथिंग या 3% ही होता है। मतलब दुनिया में इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है इनकी शेयर बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में सर्विसेज सेक्टर सबसे टॉप पे जा रहा है 58.20% और इंडस्ट्रियल सेक्टर 19.11%। हमें इंडस्ट्रियल पे काम करना होगा, बेशक एग्रीकल्चर पे भी काम ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर दुनिया की ऐसी रेयर चीज़ है कि आजकल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दुनिया की तकरीबन 137 ममालिक ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर आइटम ज़्यादा इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो पाकिस्तान भी एग्रीकल्चर के बड़े एक्सपोर्टर्स में से है, बहुत ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बाहर दुनिया में जाता है। हमारा चावल जाता है, हमारा गंदम जाता है, हमारा चीनी जाता है, हमारी दालें होती है, सब्ज़ियाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत बड़ी मकदार में करते हैं। तो एग्रीकल्चर पे अभी पाकिस्तान ने जो न्यू एक इनिशिएटिव ली है कि एग्रीकल्चर ग्रीन पाकिस्तान के हिसाब से इस तरह कोई जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स है उनको उनमें रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उनको कल्टिवेटेड बना रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ये इकानमी के बहुत बूस्ट देगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की इकानमी बहुत ज़्यादा गिरी हुई है और एग्रीकल्चर का डिमांड बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। ये जो अभी शॉर्टेज आई है दुनिया में सब कुछ जो महंगा हुआ है, तो इसका एक रीज़न दो मेन रीज़न है। एक तो पेंडेमिक आया था, उसने थोड़ा सा इकानमी को स्लो डाउन किया, और जो दूसरा मेन रीज़न है वो रशिया वार जो है, तो रशिया की जंग की वजह से रशिया ने जो यूक्रेन और रशिया की आपस में लड़ाई है, यूरोप और रशिया के वेस्ट और रशिया की जो लड़ाई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगी है। तो काफ़ी ज़्यादा गंदम और चावल का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है पूरी दुनिया में, गंदम चावल और चीनी महंगा हो रहा है, मिल नहीं रहा। तो ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान इसमें इंडिपेंडेंट के साथ साथ इसको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करता है तो ये पाकिस्तान की इकानमी में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एनर्जी शॉर्टेज की वजह से और एनर्जी के जो रेट्स है बहुत हाई है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसी से फिर पेट्रोलियम जो इंपोर्ट करते हैं महंगे दामों पर उस पर टैक्स लगता है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होती है, और उसके बाद जो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को महंगी बिजली देते हैं। तो जब हमारे आइटम महंगी बनती है तो पूरी दुनिया में हम जब उनको बेचने जाते हैं तो हमारे रेट हाई होते हैं, तो उनको कोई लेने को तैयार नहीं होता। तो इसलिए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर इंतहाई लो जा रहा है और हमारे मुल्क की चीज़ें बाहर नहीं बिकती, बल्कि हमारे मुल्क में भी दूसरे ममालिक की चीज़ें पहुँच के हमारी चीज़ से अच्छी क्वालिटी और कम रेट पर मिलती है ड्यू टू एनर्जी शॉर्टेजेस। जीडीपी बाय कंपोनेंट, ये थोड़ा फर्दर डिटेल है। हाउस होल्ड कंजम्पशन 82%, government consumption 11%, investment in fixed capital 14%, investment in inventories 1.6%, exports of goods and services 8.2%, imports of goods and services -17%. ये 2017 का डेटा है, ज़्यादा अपडेट नहीं हुआ, ये इसमें काफ़ी फिगर्स अपडेट नहीं हुए। अच्छा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई चल रही है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा हाई। इन्फ्लेशन होनी चाहिए किसी मुल्क में 10% तक एक्सेप्टेबल होता है, जब टू फिगर्स में जाता है तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन होता है। जैसे पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इसी साल 29.4% चल रही है, जो बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन पे हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। बेस बारोइंग रेट 22% है। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से अगर हम कम वाली पॉपुलेशन देख ले, मतलब जो गरीब नहीं है तो वो लोग कितने हैं, सिर्फ 35.7% लोग हैं जो गरीब नहीं है, जिन जो डेली $3.2 कमा रहे हैं। और ये भी 2021 का डेटा है, अगर अभी आप देख ले तो ये 35% से कम होके 30% पे आ गया होगा, क्योंकि 2021 और अभी के डॉलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है रेट में, तो इसलिए इसमें भी कमी होगी। मगर जो डेटा अवेलेबल है इसमें 35% हमारे जो पॉपुलेशन है वो गरीब नहीं है, तो जो गरीब है वो 65% लोग गुरबत के नीचे है, गुरबत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये $3.2 का इन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ है, ये मुख्तलिफ कैलकुलेशन होते हैं। अगर हम $3.2 पर डे के हिसाब से देख ले तो 65% पाकिस्तानी गुरबत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो 5% लोग हैं ये एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जिनको मतलब उसी टाइम का खाना भी नहीं होता, ना शाम का होता है ना कोई कल का होता है, कुछ भी नहीं है इनके पास, 5% लोग। अच्छा, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसमें जो देहाती लोग हैं 8% वो लोग हैं, और 0.3% ये शहरी लोग हैं। देहाती लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, शहर में लोग कम गरीब होते हैं। जिनी कोएफिशिएंट हमारा क्या चल रहा है, तो ये हमारा मीडियम चल रहा है 31.6%। मतलब जो हमारे अमीर और गरीब में फ़र्क कितना है, ज़्यादा अमीर और ज़्यादा गरीब में, तो ये 31.6 हमारा ये रैंक चल रहा है। मतलब अमीर और गरीब में फ़र्क है मगर बाकी दुनिया की नस्बत इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा गुजारा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अगर हम देख ले तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बहुत नीचे है। अच्छा, कुछ चीज़ें तो पैसों से हम नापते हैं ना, कि पाकिस्तान में पैसा लोग के पास कितना है और क्या कमा रहे हैं क्या, तो सारे कैलकुलेशन अक्सर पैसे की होती है। अभी आई बारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पैसे के अलावा चीज़ें होती हैं कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आप कैसे मकान में रह रहे हैं, आपके पर हेड कितने रूम है या पर रूम कितने बंदे रह रहे हैं, आपके होम के अंदर फैसिलिटीज़ क्या है, वाटर है, पीने का साफ पानी है, आपको खाना मिल रहा है, हाइजीनिक फूड मिल रहा है, आपको शेल्टर अवेलेबल है, आपको सिक्योरिटी कितनी है, आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट, आप खुशी कितनी है, आप सेटिस्फाइड कितने हैं, आपके मसले कैसे हैंडल हो रहे हैं, आपको पार्क अवेलेबल है, आपको एंटरटेनमेंट जो आपका बेसिक राइट है क्या ये अवेलेबल है, आपको स्टैंडर्ड एजुकेशन फ्री में अवेलेबल है, आपको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री में डोर स्टेप पे अवेलेबल है। तो ये हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब आपकी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल कैसा है। तो इसमें हम इंतहाई गाय गुजरे, इंतहाई लोअर, दुनिया के सबसे आखिरी हिस्से में हम जी रहे हैं हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से। मतलब इंसानी जान की कोई कीमत है, ये इंसान का कोई वैल्यू है, कोई इंसानियत है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम दुनिया में 161st पोजीशन पे है। ये 0.544 है, ये 0 से स्टार्ट होती है 10 तक जाती है, तो ये 0.5 पे हम खड़े हैं। लेबर फोर्स, पाकिस्तान में लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है और यही एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है, वरना तो हमारे मैक्सिमम इदारे जो है वो नेगेटिव में जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं। जो लेबर फोर्स कमा रही है वो भी इदारे खा रहे हैं। स्टील मिल तो चलो ख़त्म हो गया, ये रेलवे देख ले, मतलब रेलवे इतना तो कमा रहा है कि आप अगर रेलवे में सीट देख ले तो आपको 10 दिन के अंदर कोई सीट नहीं मिलेगा, अगले 10 दिनों तक सारे बुकिंग हुई होती है, मगर उसकी देख ले तो सालाना इनके खसारे होते हैं। PIA देख ले, ये भी खसारे। लेबर फोर्स बाय ऑक्यूपेशन, ये एग्रीकल्चर में हमारे कितने परसेंट लोग लेबर फोर्स में हैं? 37%। अच्छा, लेबर फोर्स टोटल कितना है? तो टोटल लेबर फोर्स हमारा है 71 मिलियन और एम्प्लॉयड कितना है? 67.25 मिलियन। 67 मिलियन एम्प्लॉयड है और टोटल 71 मिलियन लेबर फोर्स है। अच्छा, लेबर फोर्स होता क्या है, आप किसको काउंट करेंगे, लेबर फोर्स में क्या आएंगे? क्योंकि आबादी तो हमारी है 224 मिलियन है, तो ये लेबर फोर्स 71 मिलियन कैसे हुई? तो लेबर फोर्स में हम सिर्फ वो पॉपुलेशन काउंट करेंगे जिनकी एज पाकिस्तान में आई थिंक 15 है या 16 है, 16 ईयर से लेकर 64 ईयर्स तक जो पॉपुलेशन है। और इन पॉपुलेशन में भी वही लोग जो एक्टिव है, जो काम करना चाहते हैं, तो ये लोग जो बीमार नहीं है, मतलब डिसेबल नहीं है, जो हेल्दी है, तो ये लोग लेबर फोर्स में शामिल होते हैं। इस एज से जो कम होते हैं, 16 ईयर से कम होते हैं या 64 ईयर से जो अबव है, वो आपकी लेबर फोर्स में काउंट नहीं है। लेबर फोर्स बाय ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर में हमारा बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स हमने लगाया हुआ है 37.4%, और इसमें ये मख्फी लेबर फोर्स होता है जो कोई काम अक्सर नहीं करता। मतलब ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर में किसी घर के 5 बंदे लगे हैं, तो हो सकते हैं वो एग्रीकल्चर 3 बंदों से भी संभाला जा सके, तो ये 2 जो है ना ओवरलोडेड वहाँ पड़े होते हैं। तो ये एग्रीकल्चर में हमारे लिए इसलिए 37% लोग एग्रीकल्चर में हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 25% लोग हैं और सर्विसेज में 37%। अच्छा, इनके आप लोग ने प्रोडक्शन देखी होगी, ये एग्रीकल्चर वाले 37% जो है ये जीडीपी में सिर्फ 22 पॉइंट समथिंग दे रहे हैं, जीडीपी का 22% एग्रीकल्चर वाले दे रहे हैं, और सर्विसेज का जो 37% है ये जीडीपी का ऑलमोस्ट 60% शेयर दे रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 7% है, मतलब 17 मिलियन पीपल आर अनएम्प्लॉयड। मिनी इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान में मिनी इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ है, ये पूरा कराची और लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला सारा भरा पड़ा है। अपैरल है, फूड प्रोसेसिंग है। मैंने बताया ना ये 137 ममालिक है जो फूड, जिनकी नेट इम्पोर्ट ज़्यादा है फूड आइटम्स की। तो फूड प्रोसेसिंग हमारी इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हम खुद बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ। फर्टिलाइज़र की काफ़ी मांग है क्योंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो फर्टिलाइज़र के बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है। श्रिम्प है, पेपर प्रोडक्ट्स है। एक्सटर्नल एक्सपोर्ट्स हमारा कितना है, तो एक्सपोर्ट हमारा 35 बिलियन US डॉलर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है सालाना, 35 बिलियन US डॉलर, जो इतनी बड़ी इकानमी के लिए कुछ भी नहीं है। हमें एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी होगी, ऐसे कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने होंगे जो दुनिया में कंपटीशन करे और हम एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट्स में हम आजकल क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं करंटली, तो टेक्सटाइल हम उसमें हमेशा से टॉप पे है, 1600 मिलियन डॉलर के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फूड ऑलमोस्ट 5,000 मिलियन के फूड और 16,000 मिलियन के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल ये 1,400 मिलियन। लेदर गुड्स 627 मिलियन। स्पोर्ट्स गुड 461 मिलियन। अच्छा, कतर में भी जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, तो इसमें सारे फुटबॉल ऑलमोस्ट पाकिस्तान से गए थे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोलियम, क्योंकि हम करोड़ ऑयल इंपोर्ट करते हैं, प्रोसेसिंग इधर होती है, तो पेट्रोल से बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती है और करोड़ ऑयल से मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ चीज़ें बनती है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती है, तो इसलिए हमारे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स भी 290 मिलियन रुपीज़ हैं, 290 मिलियन डॉलर्स। मेन एक्सपोर्ट पार्टनर हमारे क्या है? अच्छा, अमेरिका मुर्दाबाद और USA मुर्दाबाद। सबसे बड़ा हमारा जो एक्सपोर्ट पार्टनर है वो USA है। एब्सोल्युटली नॉट जो है वो हमसे दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ ले रहे हैं। बीइंग इकोनॉमिस्ट आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा मेन एक्सपोर्ट पार्टनर कौन है, कौन सा कंट्री हमारे लिए कितना अहम है, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो यूएसए हमेशा से हमारे लिए पाकिस्तान के इंतहाई अहम मुल्क है, इन टर्म ऑफ एड्स, इन टर्म ऑफ लोन्स, इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स, हर हिसाब से। इवन इंटरनेशनल सतह पे हमारे जब भी मसले आते हैं, इवन नेशनल सतह पे आते तो हम यूएसए अंकल सैम के पास पहुंचते हैं कि हमारे मसले हल करें, और वो हल कर लेते हैं। तो यूएसए पाकिस्तान, हमारा जो एक्सपोर्ट है 21.2% यूएसए को जाता है। यूएसए दुनिया के आखिरी कोने में पड़ी है, जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आती है, मगर फिर भी दुनिया में हम ज़्यादा यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना जो हमारे बॉर्डर पे है, जो सारी चीज़ें हम चाइना से ले रहे हैं, मगर चाइना का एक्सपोर्ट सिर्फ हमारा 7.3% है, ये भी अभी बढ़ा है, पहले तो बहुत कम था। यूनाइटेड किंगडम को हम 7% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यूके को, जर्मनी को 5.7 एक्सपोर्ट पर कर रहे हैं, और यूएई दुबई को 5.3% एक्सपोर्ट, नीदरलैंड 5.2%, स्पेन को 4.9% और इटली को 4.1% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है? हमारे एक्सपोर्ट्स है 35 बिलियन US डॉलर, जबकि हमारे इंपोर्ट 60 बिलियन US डॉलर है। तो हमारा ट्रेड डिफिसिट कितना ज़्यादा है, करेंट अकाउंट हमारा कितना नेगेटिव है, हमारा -25 बिलियन US डॉलर हमारा ट्रेड डिफिसिट बन रहा है। हम इंपोर्ट 60 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं और 35 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनता है। इसलिए इंपोर्ट पे तो ये करंट गवर्नमेंट ने काफ़ी कट लगाया, मगर इंपोर्ट पे कट लगाने से इकानमी बूस्ट नहीं होगी, क्योंकि इंपोर्ट में काफ़ी एसेंशियल चीज़ें आती है जो आपकी इकानमी, आपके मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। ऐसे टेक्नोलॉजी होती है जो आपको दुनिया के किसी कोने में बहुत सस्ती और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है, तो ये आपने लेना ही लेना होता है। जो आपने अगर इकानमी ग्रो करनी है तो आपने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। अच्छा, इम्पोर्ट्स गुड्स में मेन चीज़ें क्या है हमारे जो आ रही है? ये पेट्रोलियम है, सबसे ज़्यादा जो हमारा इंपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है 17,500 मिलियन के, एग्रीकल्चर एंड अदर केमिकल के 8,000 मिलियन, मशीनरी 4,400 मिलियन, फूड्स 7,900 मिलियन के हम फूड इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? वी आर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी होने के बावजूद हम 7,900 मिलियन डॉलर के सालाना फूड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। टेक्सटाइल हम इंपोर्ट कर रहे हैं 4,500 मिलियन के, और मेटल हम इंपोर्ट कर रहे हैं 3,400 मिलियन, और ट्रांसपोर्टेशन 1,266 मिलियन। मेन इंपोर्ट का पार्टनर अभी देख लेना, हम इंपोर्ट किन से कर रहे हैं, क्योंकि आपको जिधर चीज़ सस्ती मिलेगी तो हम इंपोर्ट चाइना से कर रहे हैं। पूरी दुनिया इंपोर्ट चाइना से कर रही है, आप किसी भी मुल्क की लिस्ट देख लें तो उनका मेन इंपोर्ट पार्टनर चाइना होगा टॉप पे। तो चाइना में देख ले 18.6% जो हमारा टोटल इंपोर्ट है उसका 18.6% हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर सेकंड नंबर पे हम यूएई से कर रहे हैं, क्योंकि यूएई में पूरी दुनिया के बिज़नेस यूएई में हो रही है। इवन हम जिन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुका ठीक नहीं है, जिनके साथ हमारा डायरेक्ट ट्रेड नहीं है, उन सारे ममालिक के साथ भी हम यूएई के थ्रू ऐड करते हैं। वो आके यूएई की मंडियों में बेच देते हैं और हम यूएई की मंडियों में ख़रीद के उसको ले आते हैं। तो मतलब अगर उनके साथ हमारा डायरेक्ट ट्रेड होता तो ये 14.3% ये हमें इंतहाई सस्ता मिलता है, इंतहाई, जो इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और इतने ज़्यादा इसमें जो मिडल मैन आते हैं उसकी वजह से इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा इम्पोर्ट, मेन इम्पोर्ट पार्टनर सऊदीया है। सऊदीया से 6.4% इम्पोर्ट, सिंगापुर से 5.3% और यूएसए से 4.3%। यूएसए से हम मैक्सिमम ये मिलिट्री प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं। इंडोनेशिया से 5%, इंडोनेशिया से ये एडिबल ऑयल जो है ये उधर से आते हैं। तो सारे सिंगापुर से क्या आता है, सिंगापुर से हम ये जितने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं आपके, इवन स्पेयर पार्ट वगैरह, ये सारे सिंगापुर से होते हैं। सऊदीया से हमारा क्या आता है, सऊदीया से हमारा क्रूड ऑयल आता है। कुवैत से 4.9% और मलेशिया से 2% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है सालाना हमारा, तो ये 31 बिलियन डॉलर है, जो फॉरेनर आके पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, पैसे लगाते हैं, अपने पैसे लेके आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। जितने आपके MNCs है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, आप किसी भी चीज़ प्रोडक्ट का नाम ले ले तो ये MNCs में आते हैं। जितने ब्रांड होते हैं बड़े, ये शेल हो गया और ये इस तरह के मुख्तलिफ जो 5 स्टार होटल्स हो गए जो बाहर दुनिया में, ये इवन ये KFC हो गया, ये छोटी मोटी चीज़ें भी ये बाहर दुनिया के ब्रांड होते हैं। तो ये लोग आके इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में। इवन आप ये पेप्सी, कोका कोला, ये जितने स्प्राइट वगैरह हैं, ये सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आएंगे क्योंकि वो लोग इधर आके, ये ज़ोम टेलीनार हो गया, इन्होंने आके इधर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $31 बिलियन है जो बहुत कम है। और ये भी अभी चाइना ने ये जो सीपैक के चक्कर में इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तो उसके खाते में ये थोड़ा सा बढ़ गया। करंट अकाउंट हमारा कितना चल रहा है? तो करंट अकाउंट -$2.557 बिलियन चल रहा है। ग्रास एक्सटर्नल डेट हमारा कितना है? अच्छा, सिर्फ एक्सटर्नल डेट की इधर बात हो रही है, तो जो बाहर दुनिया के हम पे कर्जे हैं वो कितने हैं? $126 बिलियन पाकिस्तान पे लोन है। हमारा एक्सटर्नल डेट इस टाइम $126 बिलियन है। पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट डेट कितना है? तो ये 73% ऑफ GDP है। एक इकानमी में 64% ऑफ GDP से ऊपर ये गवर्नमेंट डेट नहीं बढ़ना चाहिए, मगर पाकिस्तान में ये 73% है। इसी वजह से जो पैसे है, रुपया है, जो करेंसी है, वो मार्केट में ज़्यादा गर्दिश कर रही है। तो जब मार्केट में पैसे ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं, हर बंदे के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, तो हर बंदा पैसे देने वाला होता है, तो लिहाजा इसी वजह से चीज़ें अप होती है, कीमतें अप होती है। तो इसका मेन जो काज होता है ये गवर्नमेंट डेट होता है। गवर्नमेंट पहले इस डेट को ख़त्म करने के लिए क्या करता है? और नोट छापता है बग़ैर ज़मानत के। तो इसी तरह फिर मुल्क में पैसों के ये सर्कुलेशन ज़्यादा होती है और महंगाई बढ़ती है। और हमारे अभी जो इन्फ्लेशन है 30% पे पहुँच गई है, जो बहुत ज़्यादा है। बजट बैलेंस -7.9 ऑफ GDP। रेवेन्यू कितना है? 12% ऑफ GDP। ये 8,000 बिलियन PKR है और $45 बिलियन आप कह सकते हैं। रेवेन्यू हमारा $45 बिलियन है सालाना। एक्सपेंसेस कितने हैं? $75 बिलियन हमारे एक्सपेंसेस है। मतलब एक्सपेंसेस हमारा 19.9% ऑफ GDP है। रेवेन्यू हमारा 12% ऑफ GDP है। तो इधर पर हम माइनस में चल रहे हैं। इकोनॉमिक एड हमें कितना मिला? 2.7 बिलियन डॉलर ये 2021 में मिला था। 2021 का डेटा है। क्रेडिट रेटिंग अगर देख ले तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये डोमेस्टिक के हिसाब से हम B में चल रहे हैं, फॉरेन भी B में, टर्म एंड कंडीशन असेसमेंट B। आउटलुक हमारा नेगेटिव है। मूडीज़ अगर देख ले तो CAA1 है आउटलुक, फिर नेगेटिव, और फिच में CCC है आउटलुक नेगेटिव। फॉरेन रिज़र्व हमारे पास कितना पड़ा है? तो फॉरेन रिज़र्व हमारे पास आलमोस्ट $10 बिलियन पड़ा है। दुनिया में हम 115वें नंबर पे है, हालांकि हम आबादी के हिसाब से दुनिया में 5वें नंबर। द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान इज़ क्लासिफाइड एज अ डेवलपिंग इकॉनमी। इट इज़ द 23rd लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ GDP बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी PPP। इन 2021 द कंट्री हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 227 मिलियन पीपल एज ऑफ फिस्कल ईयर 2022। द नॉमिनल GDP ऑफ पाकिस्तान स्टैंड एट $376 बिलियन with a nominal GDP per capita of $1,658. Its GDP based on purchasing power parity stands at $1.5 trillion with a GDP purchasing power parity per capita of $6,662 US. In the formative decades of Pakistan, the economy was largely based on private industries. Nationalization of significant portion of the sector, including financial services, manufacturing, and transportation, had been begun in the early 1970s. With the beginning of Ziaul Haq's regime in the 1980s, a more Islamic economy was adopted, which outlawed economic practices forbidden in the Sharia and mandated traditional religious practices instead. Although the economy began to privatize in the 1990s, The growth rules of Pakistan economy are situated along the Indus River. The diversified economies of Karachi and major urban cities centers in Punjab, coexisting with lesser developed area in the other parts of the country. Pakistan was classified as a semi-industrial economy for the first time in the late 1990s, albeit an underdeveloped country with heavy dependence on agriculture, textile industry began being dependent on cotton production. Primary export commodities including textile, leather goods, export and sports equipment, chemical and carpets or rugs. Pakistan is currently undergoing a process of economic liberalization, including the privatization of all government corporations, which is aimed at attracting foreign investment and decreasing budget deficit. However, the country continues to face the challenges of rapidly growing population, high illiteracy, corruption, political instability, a hostile neighborhood, and heavy foreign debt. Falling on budget for paying interest on its debt, Pakistan has been facing an economic crisis since 2022. Amid adverse effect of ongoing Russia-Ukraine war, Pakistan has been facing shortages in supply and high inflation in prices of food, oil, gas and electricity. The crisis has led to sharp depreciation of Pakistani rupee and downgrading of country's credit rating by various agencies, which has further increased the possibility of default. ये पाकिस्तान की जीडीपी किस साल में कितनी थी, तो ये जो पहला कॉलम है ये रियल जीडीपी का है और ये सेकंड कॉलम जीडीपी पर कैपिटा का है। तो ये दो हम डिस्कस करेंगे, रियल जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा। 80s का आप देख ले 79 बिलियन यूएस और 950 पर कैपिटा थी। फिर ये लिस्ट आप देखते जाए तो अगर हम 90 पे आए तो 1990 में पाकिस्तान की जीडीपी 215 यूएस बिलियन डॉलर थी और जीडीपी पर कैपिटा 1970। ये जीडीपी पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी है। जीडीपी नॉमिनल हम देखते हैं तो जीडीपी नॉमिनल देख ले हम किस हिसाब से 1980 से कैसे ग्रो करके आ रहे थे। 1980 में 34 बिलियन यूएस डॉलर थी, फिर 41 50। ये 1993 में देख ले तो 75 थी, फिर 94 में 76 बिलियन यूएस डॉलर। अभी हमारा 300 क्रॉस कर गया है ये तकरीबन 5-6 साल से। ये 2000 में अगर देख ले तो फिर भी 89 थी, 100 पे हमारी कब पहुंची, 100 पे 2003 में मुशर्रफ के दौर में डायरेक्ट 87 से 101 यूएस बिलियन डॉलर पे पहुंच गई थी हमारी जीडीपी। फिर 2004 में 118 और फिर 5 में 132, इस तरह 2008 में देख ले तो 191 थी जब जरदारी ने गवर्नमेंट संभाला। 191 यूएस बिलियन डॉलर हमारी इकानमी थी और 2013 में 260 बिलियन डॉलर हो गई। अच्छा, फिर आगे 2018 में 356 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई। ये बेहतरीन एरा था इकानमी के टर्म के हिसाब से। 2013 से देख ले तो ये 275 हो गया, फिर 304, 313, 339 और 356। फिर 1920 में देख ले तो 356 से नीचे आ गई हमारी जीडीपी और 321 हो गई। 2020 में 300 पे वापस आ गई, फिर 2021 में थोड़ा सा ठीक फिगर आया 348 हो गई और 22 में 376 हो गई और करंटली ऑलमोस्ट 356 बिलियन डॉलर है। ये स्टॉक मार्केट का कुछ डिटेल्स है, अगर कोई रीड करना चाहे तो वीडियो को बेशक फास्ट करके आप लोग पढ़ सकते हैं। 100 इंडेक्स का जो ग्रोथ चार्ट है ये कब से 2006 से है, ये 8-9 में नीचे आया है, फिर हमेशा ऊपर ही गया है, फिर 18-19 में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही, न्यू गवर्नमेंट आई, फिर नीचे आ गया था, और 22 में फिर नीचे आ गया, अभी फिर पॉजिटिव जा रहा है 23 में। फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ कंपनीज नॉन फाइनेंशियल बिलियन रुपीज़ में। मिडिल क्लास पॉवर्टी एलिविएशन एक्सपेंडिचर देख ले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट स्पेंड ओवर 1 ट्रिलियन रुपीज़ ऑन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम ड्यूरिंग द पास्ट 4 years, कटिंग पॉवर्टी फ्राम 35% इन 2001 to 29% इन 2013, 17% इन 2015। ये बहुत पुराना डेटा है। फिर एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, ये गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की डिटेल्स है। अच्छा, कंसोलिडेटेड फेडरल एंड प्रोविंशियल फिस्कल ऑपरेशन अमाउंट इन बिलियन रुपीस, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स एफबीआर और टोटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डिफिसिट 8,035 बिलियन रुपीस हमारा टोटल रेवेन्यू है टैक्स के मत में 2022 में। करेंसी सिस्टम पाकिस्तान का, ये जो रुपी है इसका डिटेल है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, कब हमारी रुपी कितनी थी, डॉलर कितने का मिल रहा था, तो ये 2008 में 62 का मिल रहा था, फिर 13 में 96 का मिल रहा था, 2018 में 109 का मिल रहा था, और फिर 19 में 136, 20 में 158, और 2021 में 160, और 2022 में 177, और करंटली तकरीबन 295 का $1 मिल रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की फर्दर कुछ डिटेल्स है। अमाउंट इन बिलियन यूएस डॉलर, कितनी टोटल रिजर्व हमारे पास रही। 2008 में 11 बिलियन थी, फिर 9 में 12 बिलियन थी, फिर 2011 में हमारे पास 18 बिलियन फॉरेन रिजर्व रही, और फिर कम होके फिर जो है ना 2015 में फिर 18 बिलियन पे पहुंच गई, 2018 में फिर 16 बिलियन पे कम हो गई, और 2019 में 14 पे आ गई, 20 में फिर 18, फिर 21 में 24 बिलियन यूएस डॉलर हमारे रिज़र्व में पड़े थे, और 2022 में 15 बिलियन डॉलर थे, और अभी करंटली हमारे पास हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में 10 बिलियन यूएस डॉलर पड़े हैं पाकिस्तान में। एसबीपी रिज़र्व है, ये 4.5 और 4.7 ये बैंक रिज़र्व है। पाकिस्तान के इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में ये डिटेल्स है। सेक्टोरल शेयर्स ऑफ जीडीपी एट कांस्टेंट बेसिक प्राइसेस, एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, पहले कितना शेयर था, अब क्या है। तो करंटली अगर शेयर हम देख ले, पहले 2000 में आप देख ले तो एग्रीकल्चर का, मैंने कहा ना कि जो गरीब ममालिक होते हैं उनका एग्रीकल्चर का शेयर बहुत ज़्यादा होता है, और जो जितने अमीर होते हैं तो उनका एग्रीकल्चर शेयर बहुत कम रह जाता है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री और सर्विसेज इतनी डेवलप कर जाते हैं कि हालांकि उनका एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ी फिगर होती है, मगर जब जीडीपी के परसेंटेज की बात आती है तो एग्रीकल्चर का परसेंटेज बहुत कम रह जाता है। तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर 22.9 मतलब 23% शेयर है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का 18% है, और सर्विसेज का 59%। मेजर सेक्टर्स हमारे कौन कौन से, एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर के डिटेल्स है। एग्रीकल्चर में काफ़ी ये फिशरीज़ भी आती है, काफ़ी ये आगे जो है इसमें बहुत ये लेंथी सेक्टर है, इसमें सिर्फ फार्मिंग नहीं होती। ग्रोथ हमारा एग्रीकल्चर में कितना हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम पे देख लें, हमेशा पॉजिटिव हो रहा है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ग्रोथ कम तादाद में हुआ है मगर हुआ है। और ये आगे जो फसल है, कौन सा फसल कितने % ग्रो कर चुका है, तो कुछ जो है ना ऊपर नीचे हो गए हैं। ये फिर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उनका डिटेल है फर्दर। इंडस्ट्री, पाकिस्तान के इंडस्ट्री के कुछ डिटेल्स है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 2008 में ये 8% के हिसाब से तरक्की कर रहा था। ये 2009 में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर नीचे आया था, फिर हमेशा ऊपर ही गया है, फिर 2020 में फिर बहुत ज़्यादा नीचे आया है, करंटली भी ऊपर जा रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर तेज़ी से तरक्की कर रहा है और ये इसका अभी जो ग्रोथ रेट है वो 6.83% है। मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें माइनिंग है और कंस्ट्रक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग गुड का आगे फर्दर ये देख ले कौन से गुड्स इसमें आ रहे हैं, ये सारे इसमें इसके एक पूरा लिस्ट है। काटन यान, ज्यूट गुड्स, वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल, शुगर, सीमेंट, पेपर एंड बोर्ड, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, काटन क्लॉथ, सिगरेट, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स, मोटर टायर्स एंड ट्यूब, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक मीटर्स, जीप्स एंड कार्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एंड बसेस। ये इसका अमाउंट है टोटल एसेट का। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट लिमिटेड ये बिलियन रुपीज़ में है। फिर पाकिस्तान ऑयल स्टेट, ये बाइको, टेलीकम्युनिकेशन, जितने आइटम हैं। फिर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की कुछ डिटेल है। तो सीमेंट इंडस्ट्री का हम सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड डिस्पैच मिलियन टन्स में अगर हम देख ले तो हम कितने मिलियन टन सीमेंट बना रहे हैं पर ईयर। तो 69 मिलियन टन हमने 2021 में प्रोड्यूस किया है। फिर इसमें हमने एक्सपोर्ट भी किया है 9 मिलियन। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का डिटेल है। फर्टिलाइज़र ऑफ टेक बाई न्यूट्रल्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की डिटेल्स है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के आउटस्टैंडिंग लोन एंड कंज्यूमर फाइनेंसिंग फॉर ऑटोमोबाइल। माइनिंग जो ज़मीन के नीचे से जो भी मदनियात मिलती है इसको माइनिंग कहते हैं। तो इसमें कोल है और ये मेट्रिक टन के हिसाब से कितने मेट्रिक टन कोल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पर साल। तो पर ईयर 9,230 मेट्रिक टन कोल हमारा निकल रहा है। नेचुरल गैस कितना है 1,280 मिलीमीटर MM³ फीट। क्रूड ऑयल JSB में हम काउंट कर रहे हैं तो कितने हैं 27,560। फिर क्रोमाइट है, मैग्नेटाइज है, डोलोमाइट, जिप्सम, ये पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें काफ़ी तादाद में निकली। लाइमस्टोन है, रॉक सॉल्ट है, सल्फ़र है, बेराइट्स है, सोप स्टोन है, मार्बल और क्वार्ट्स। एनर्जी के प्राइमरी एनर्जी सप्लायर बाय सोर्सेज। ये गैस, ऑयल, कोल, एनर्जी हम किस चीज़ से बना रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी और टोटल। तो इसमें अगर हम 2020 के फिगर में आते हैं तो ये फिगर्स है हमारे पास। नेप्रा रिपोर्ट्स, इंस्टॉल कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक जनरेशन और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, ट्रांसमिशन लॉसेज और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, ये इसका डिटेल है। इंस्टॉल कैपेसिटी हमारे पास कितने हैं ये 43,000 मेगावाट पाकिस्तान में है। 43,000 मेगावाट हमारे पास इंस्टॉल है। फिर इसका शेयर है कितना हाइडल, थर्मल, न्यूक्लियर। तो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है थर्मल का है और सबसे महंगा कौन सा है थर्मल। 60% बिजली हम पेट्रोल से बना रहे हैं, ऑयल से, डीजल से, और ऑयल हम बाहर दुनिया से मंगवा रहे हैं। 23% हम अपने डेमो से बना रहे हैं, सबसे सस्ती फ्री की बिजली। न्यूक्लियर से 11% बना रहे हैं। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, इतने स्ट्रांग एटॉमिक एनर्जी है तो इनको बढ़ाना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हम 4.18 बना रहे हैं। इसका वैसे रिकॉर्ड कम होगा क्योंकि मैक्सिमम एरिया में तो ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी यूज़ हो रही है क्योंकि सोलर पैनल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ये सारे ग्रीन एनर्जी। सर्विसेज सेक्टर देख ले तो सर्विसेज सेक्टर कितने परसेंट ग्रो कर रहा है तो ये हमेशा ग्रो में रहा है और करंटली अगर हम देख लें तो ये तकरीबन 6.6% पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रहा है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की डिटेल से पीटीए की रिपोर्ट्स की डिटेल्स, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स, पीआईए एनुअल रिपोर्ट्स कि कितना रोड किलोमीटर, तो ये 3,41,821 2022 में हमारा पीआईए चला है और कितने पैसेंजर कैरी की है 4,281। ऑपरेटिंग रेवेन्यू बिलियन कितने रेवेन्यू की है तो 172 बिलियन रुपीस कमाए हैं और लगे कितने 183 बिलियन रुपए लगे हैं, तो ये -88 बिलियन रुपए इनको -88 बिलियन रुपए को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, तो माइनस में आया तो ये फिर नेट लॉस हुआ है इनको। रेलवे लिंकेज कितना है तो रूट किलोमीटर हम कितना है हमारे पास 7,480 किलोमीटर रूट है और ट्रैक किलोमीटर 11,492 किलोमीटर है। पैसेंजर कैरीड 35,681 है, पता नहीं ये पर डे के हिसाब से या पर वीक। गुड्स कैरीड और ये काफ़ी डिटेल है। फिर रोड लिंकेज का आ जाए एनएचए की डिटेल है, फिर मेरी टाइम लिंकेज की डिटेल्स है, फाइनेंस की डिटेल्स है। कोई डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो को पास करके पढ़ा करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मेजर बैंक 2021 तो किस बैंक के पास कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पड़ा है, तो ये बिलियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक के पास 3,757, फिर हबीब बैंक के पास 34 बिलियन रुपीज़ ये सालाना है और फिर 28 बिलियन नेशनल बैंक और यूपीएल 30 बिलियन, एमसीबी 30, मीज़ान 28 और अल हबीब 18 बिलियन, एलाइड बैंक 17 बिलियन, बैंक अलफलाह 14 बिलियन, हबीब मेट्रोपॉलिटन 13 बिलियन और द बैंक ऑफ पंजाब 12 बिलियन ये सालाना इनका प्रॉफिट है। पेमेंट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ बैंक, टोटल 44 बैंक है हमारे पास और ब्रांचेस 7,031 ब्रांचेस है पाकिस्तान में। एटीएम हमारे पास 17,133 एटीएम है पाकिस्तान में। इंटरनेट बैंकिंग यूज़र 8,370 है सिर्फ। मोबाइल फ़ोन बैंकिंग यूज़र 12,340 है। पेमेंट सिस्टम स्टेटिस्टिक का रिकॉर्ड है ये। हाउसिंग के बारे में डिटेल्स है। हाउसिंग हाउस बिल्डिंग बिलियंस पीकेआर, आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसिंग फॉर हाउस बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग के लिए 200 बिलियन कर्जा लोगों ने लिया हुआ है। टूरिज़्म की कुछ डिटेल्स है। कोई 2-3 साल पहले एक साल हमने पूरा बल्कि आई थिंक 2016 था, पूरा साल टूरिज़्म के नाम पे किया था या 2018 था। फॉरेन ट्रेड रेमिटेंस एड एंड इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है ये यूएस मिलियन डॉलर में अगर देख ले तो सिर्फ 18,868 मिलियन डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है जो बहुत कम है। फॉरेन एक्विजिशन एंड मर्जर, फॉरेन ट्रेड की डिटेल है कि फॉरेन ट्रेड अमाउंट्स इन बिलियन यूएस डॉलर्स। अच्छा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डिटेल अभी आ गई है। हमारा एक्सपोर्ट 2008 में 24 बिलियन डॉलर था, 13 में 31 बिलियन डॉलर हुआ, फिर 18 में 30 बिलियन डॉलर हो गया और 2021 में 31 बिलियन, 22 में 39 बिलियन और 2023 में 35 बिलियन यूएस डॉलर। बहुत कम, हमारे एक्सपोर्ट बहुत कम है। फिर अगर इंपोर्ट हम देख लें तो इंपोर्ट हमारा 45 बिलियन था 2008 में और फिर 2018 में हमारा इंपोर्ट हुआ 67 बिलियन यूएस डॉलर। 2023 में हमारा इंपोर्ट 51 यूएस बिलियन डॉलर है। एक्सपोर्ट पर ये हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन भी है और लिस्ट भी है ना। रेडीमेड गारमेंट, नेटवेयर, bedware, rice, cotton, cloth, chemical and pharmaceutical, cotton yarn, towels, leather manufacture, sports goods, surgical goods and medical instrument. इम्पोर्ट हम क्या कर रहे हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, लिक्विड LNG, प्लास्टिक मटेरियल, पाम ऑयल, रोड व्हीकल, आयरन एंड स्टील, रॉ कॉटन, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड अपरेटस, टेक्सटाइल मशीनरी, पावर जनरेटिंग मशीनरी, एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस, इसका डिटेल है. अमाउंट इन मिलियन US डॉलर, क्रेडिट, डेबिट और नेट. तो हमारा क्रेडिट 64 और नेट हमारा -2.5%, 2.56 करंट अकाउंट है हमारा. इकनॉमिक एड, इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक, ADB, किसने कितना एड दिया उसकी डिटेल है. सीपेक का भी डिटेल है. रेमिटेंसेस, ये अहम फैक्टर है पाकिस्तान की इकॉनमी. बेहतरीन चीज़ है रेमिटेंसेस, फ़ारन रेमिटेंसेस, जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं और फ़ारन ममालिक में सेटल होते हैं और फिर पैसे भेजते हैं, तो ये फ़ारन रेमिटेंस कहलाती है. इसकी डिटेल अभी शेयर करेंगे. ये अहम फिगर है. 2008 में ये कितने थे? 6.4 बिलियन डॉलर आ रहा था. 2013 में फिर 14 बिलियन डॉलर आया था. 18 में 20 बिलियन डॉलर फ़ारन रेमिटेंस आए थे और 2023 में 27 बिलियन, 22 में ये 31 बिलियन US डॉलर थे और 23 में 27 बिलियन US डॉलर है. किस मुल्क से कितना आ रहा है, ये 2020-21 का डेटा है. तो सऊदीया से 7.6 बिलियन, दुबई से 6.1 बिलियन, UK 4 बिलियन, गल्फ कोऑपरेशन कौंसिल से 3.3, USA से 2.7 बिलियन, यूरोपीय यूनियन से 2.7 बिलियन, ऑस्ट्रेलिया 1 बिलियन, कनाडा 0.5 बिलियन, ऑस्ट्रेलिया से भी 0.5 बिलियन, मलेशिया 0.2 बिलियन, नॉर्वे से 0.111 बिलियन और जापान से 0.08 बिलियन. जापान के साइड पे बहुत कम लोग हैं, मलेशिया, जापान और स्विट्ज़रलैंड 0.01 बिलियन, अदर कंट्रीज से 1.13 बिलियन. इकनॉमिक इश्यूज़ पाकिस्तान के क्या है? मेन इकनॉमिक इश्यूज़ क्या है पाकिस्तान के? तो सबसे जो अहम इशू है, जो ख़तरनाक इशू है, वो करप्शन है. पाकिस्तान में करप्शन, हम बहसीत कौम हम लोग करप्ट नेशन है, इसलिए हम तरक्की नहीं कर रहे. फिर डेट का इशू है. डेट हमने लिया है, कर्ज लिया हुआ है, मुख्तलिफ एजेंसियों से ले रहे हैं, अभी भी खुशियाँ मनाते हैं. और फिर डेट के जो सूद है, सूद पे सूद हम अदा कर रहे हैं, तो डेट ट्रैप में हम फंस चुके हैं ऑलरेडी. ये देख टोटल डेट का रिकॉर्ड भी है, मुख्तलिफ जो डेट है सबका रिकॉर्ड है. अमाउंट इन मिलियन US डॉलर, ये टोटल डेट है. इकॉनमी के बारे में जो मैंने भी लेक्चर दिया, तो ये आप लोग वीडियो के अलावा अगर पढ़ना चाहे तो आप विकिपीडिया पे जाके आप लोग लिखेंगे इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, तो फर्स्ट पेज पे ये आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फर्दर डिटेल्स है. आप किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो जितनी ब्लूज़ है, तो ब्लू राइटिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी फर्दर डिटेल आपको मिलेगा. तो लिहाजा जो बंदे आगे रीड करना चाहते हैं, इकॉनमी को सही मानों में स्टडी करना चाहते हैं, तो 4-5 घंटे निकाल के इसी एक आर्टिकल को सही तरीके से पढ़ ले, आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ों का आप लोग को पता चल जाएगा. वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए.